किसान पिछले 7 महीने से अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं और लगातार अपना प्रदर्शन करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। वहीं किसानों ने जन आंदोलन भी किया और साफ तौर पर उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी तब तक वो किसान आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। लेकिन केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया का क्या कहना है किसान आंदोलन पर, इसी को लेकर टीवी न्यूज 1 के संवाददाता राम शरण ने बात की रतनलाल कटारिया से। उन्होंने क्या कहा आप खुद ही सुने। किसान अपने मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं, वहीं पर हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया जी हैं। आइए इनसे जानते हैं किसानों को लेकर क्या कब तक उनकी मांगें पूरी होगी। सर, किसानों की मांग कब तक पूरी होगी, कब वो वापस जाएंगे? देखिए, हमने तो ये कहा है जी कि कोई आपके पास अगर कोई कॉन्क्रीट प्रपोजल है जी, आप ले आइए जी, हम उसका समाधान करेंगे जी। लेकिन जी जो बातचीत अड़ी हुई है 7 महीने से जी के तीनों कृषि कानून वापस लो जी, तो उसके बारे में तो मैंने यही कहा है कि वो किसी कीमत पे वापस होने वाले नहीं है। और सीधी सीधी सी बात है कि ना 9 मन तेल होगा नर्रा दाना चेगी। और किसान हमारा अन्नदाता है जी, हमारा भगवान है जी, हम उसके ऊपर निर्भर है। इसीलिए मोदी जी ने 7 साल में जी एक के बाद एक फैसले जी उनकी फसलों के दुगने दाम करने के लिए लिए और आज उनको अपनी फसलों का बेहतरीन मूल्य मिल रहा है जी। उनके सिंचाई के साधन हम बढ़ा रहे हैं जी, उनके खाद के ऊपर हम डबल सब्सिडी दे रहे हैं जी। देखिए, जो खाद का कट्टा 1400 रुपए में आता था जी, उसको हमने 700 में कर दिया है, एक के साथ एक फ्री। इसके बाद भी कि जी किसान की समस्या है, अरे भाई आइए अपनी समस्या बस उलझाइए जी। बाकी एजेंडा सिर्फ मोदी जी को बदनाम करने का है और उसमें ना पहले सफलता मिली है ना अब मिली। किसान को मांगों के लेकर अगर नहीं सुनी गई तो क्या जो चुनाव नजदीक आ रहा है क्या उस चुनाव पे असर पड़ेगा? चुनाव पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है जी। लोग समझदार हैं जी, लोगों को पता है जी कि मोदी जी किसानों के लिए दिन रात काम कर रहे हैं जी, उनकी इनकम को डबल करने का प्रयत्न कर रहे हैं जी। और अब यह जो इक्का दुक्का लोग जी आंदोलन में जी दिखाई देते हैं जी, ये तो राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए टीवी जीवन से। तो देखा, हमने बात की रत्नाकर टारिया से जी से, बने टीवी जीवन के लिए दिल्ली से राम सुकुमार की रिपोर्ट।